नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज एक तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। ये आप देख रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन के ऊपर हमने पार्ट टू बना दिया था। आज जो तीसरा पार्ट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपने डॉक्यूमेंट्स PDF में बनाकर सेंड करते हैं और चाहते हैं कि हम वहाँ पर डिजिटल साइन करें। डिजिटल साइन कैसे कर सकते हैं हम, वो मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी जब आप डिजिटल साइन करने के लिए साइन करते हैं, फिर उसका फ़ोटो लेते हैं, फिर उसको PDF बनाते हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इससे अच्छा दोस्तों आपको करना क्या है, जब आप इस ऑफिस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पर जो सबसे बेहतर ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ एक्शन पर जाएंगे। ये आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा एक्शन, यहाँ पर लिखा आ रहा है साइन अ PDF। आप यहाँ पर PDF पर सिग्नेचर कैसे कर सकते हैं, जिसे हम आगे चलकर कह सकेंगे कि ये डिजिटल सिग्नेचर के तौर पर ही काम करेंगे। हम यहाँ क्लिक करेंगे साइन अ PDF पर, और मान लीजिए दोस्तों ये मेरे पास एक PDF है। इस PDF पर जहाँ भी, मान लीजिए ये आपको इस PDF के पेज पर ज़्यादा ध्यान देने से मतलब नहीं है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर जो यूनिट 1 के आगे नंबर ऑफ लेक्चर्स लिख रहा है, यहाँ पर जाकर मुझे साइन करना है, तो दोस्तों नीचे लिखा आ रहा है टैप वेयर यू विश टू साइन। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बार टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं टैप करूँगा दोस्तों, ये देखिए एक हम कह सकते हैं स्क्रीन आ गई है, और यहाँ पर लिखा आ रहा है प्लीज़ साइन हेयर। मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना ये साइन कर देता हूँ, और ये मैंने साइन बना दिया है। अब आप इस साइन को स्टोर भी कर सकते हैं, आप इस साइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसा आप कलर करना चाहें। मैंने इसको ये कलर रख लिया है, और मैंने यहाँ पर ये टिक जो दे रखा है क्लिक कर दिया है। देखिए दोस्तों, क्लिक करते ही ये साइन यहाँ आ गया है। अब आप इसको रोटेट कर सकते हैं, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने देखिए ये इसको छोटा करके यहाँ साइन कर दिया है, और दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर ये देखिए राइट क्लिक कर दिया है। अब ये आप PDF देख रहे हैं, वहाँ पर मेरे साइन आ गए हैं। ये इस तरीके से आप यहाँ साइन कर सकते हैं, और फिर आप इसको जो है इजीली यहाँ से दोस्तों जिस भी माध्यम से शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा तरीका था एक PDF में किस तरीके से आप अपने सिग्नेचर कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, एक और जो बहुत अच्छा ऑप्शन इस हम कह सकते हैं ऑफिस के ऐप में है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं स्कैन टू PDF, पिक्चर टू PDF, डॉक्यूमेंट टू PDF, ये सभी तो आप बना सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों इमेज टू टेबल। एक टेबल जो दे रखी है उससे आप पूरी इमेज और उसके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास एक टेबल की इमेज है, और उस इमेज में जाने के बाद जो है मैं उसकी टेबल भी बनाऊँगा और बनाकर आपको एडिट करके कॉपी करके दिखाऊँगा। आपको जाना है इमेज टू टेबल, यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आप देखिए यहाँ पर हम एक टेबल ले लेते हैं। ये मान लीजिए मैंने ये टेबल ले ली है। देखिए दोस्तों ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, और शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म्स यहाँ पर, ये आप इसको इस तरीके से जो है दोस्तों यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको फुल क्रॉप करके मैं इसको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे दोस्तों मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ये टेबल एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गई है, और ये अभी आपके सामने दो सेकंड में ये देखिए दोस्तों ये टेबल आ गई है। नीचे ओपन लिखा आ गया है कॉपी, या आप इसको वर्ड में ओपन कर सकते हैं। ये देखिए एग्जैक्ट जो वहाँ लिखा हुआ था ये सब आ गया है। मान लीजिए मुझे रोम रीड ओनली मेमोरी वाला जो ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये अगर एरर है तो यहाँ पर आप रेड जो दे रखा है कॉपी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। देखिए मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अब आप मेमोरी जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहें उस तरीके से आप जो लिख सकते हैं। मैंने इसको रीड ओनली कर दिया है, ये अब दोस्तों यहाँ के लिए रीड ओनली हो गया है। आप यहाँ से इसको इजीली कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके जो है पेस्ट कर सकते हैं। आप इसको ओपन करेंगे, जैसे आप ओपन करेंगे दोस्तों तो ये यहाँ आ गया है, और मैं इसको जो ऑफिस का ही एक्सेल है उसमें मैंने ये देखिए ये यहाँ पर इसका सम कैलकुलेशंस ये सारी चीज़ आ गई हैं। और अब आप किसी भी इमेज के टेबल के टेक्स्ट जो है वहाँ पर इजीली उसको यहाँ पर स्कैन करके उस पूरी टेबल पर काम कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जिनमें टेबल दिया होता है, हमें वो टेबल पूरी बनानी होती है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है। तो दोस्तों स्मार्ट वर्क करने के लिए आप इस ऑफिस ऐप का यूज़ कर सकते हैं,
और यहाँ से आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक।